हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले HIT S EEE 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम डेट, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भी बहुत सारे डिटेल्स के रिगार्डिंग में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। HIT S EEE 2025 का एग्जाम जो कंडक्ट हुआ इन द फर्स्ट वीक ऑफ मई 2025, हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक तरह का यूनिवर्सिटी लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसका हर साल कंडक्ट करवाया जाता है। हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस जो रेगुलेटरी बॉडी है HIT S EEE का, ये कौन कौन से कोर्स ऑफर करती है जैसे कि BTech इन वेरियस स्पेशलाइजेशन, बी आर्किटेक्चर, बी डिजाइन, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एक्सेट्रा, एक तरह का नेशनल और स्टेट लेवल के एग्जाम के कोर्स भी प्रोवाइड करवाती है। अभी हम सबसे पहले इसके ओवरव्यू के बारे में बात कर लें। इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। कोर्स ऑफर करती है BTech इन वेरियस स्पेशलाइजेशन, बी आर्किटेक्चर, बी डिजाइन, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। एप्लीकेशन और एग्जाम का जो मोड रहते हैं ऑनलाइन मोड होता है। एग्जाम की डेट्स की बात कर लेते हैं। वो जो थर्ड वीक ऑफ दिसंबर 2024 को इनका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है। लास्ट डेट है फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल 2025। इनके जो एग्जाम के डेट स्टार्ट होते हैं फर्स्ट वीक ऑफ मई से सेकंड वीक ऑफ मई, काउंसलिंग थर्ड वीक ऑफ मई से फोर्थ वीक ऑफ मई, क्लासेस स्टार्ट होते हैं सेकंड वीक ऑफ जुलाई 2025। अभी हम सबसे पहले इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है थर्ड वीक ऑफ दिसंबर 2024 और भी ऑनलाइन मोड में। आपको सबसे पहले पर्सनल क्वालिफिकेशन कम्युनिकेशन डिटेल आपको प्रॉपर तरीके से देना होता है और आपको सारे डिटेल वैलिड तरीके से फुलफिल करना है। अगर आप कोई भी गलती करते हो उसके अंदर कोई भी आपको करेक्शन फैसिलिटी देखने को नहीं मिलता है। आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होता है। लास्ट डेट है फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल 2025। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको प्रिंटआउट निकाल लेना है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ₹1200 एप्लीकेशन फीस है फॉर ईच कैटेगरी कैंडिडेट और भी ऑनलाइन मोड में। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू इजीली आप पेमेंट को कर सकते हो और एप्लीकेशन का फीस है नॉन रिफंडेबल है। आप कैसे अप्लाई करोगे? आपको सबसे पहले उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। ऑन द होम पेज आपको रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद आपको नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ आपको प्रॉपर तरीके से देना है। उसके बाद आपको OTP आएगा यूनिक आईडी और पासवर्ड के थ्रू। उसके बाद आपको सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। पर्सनल क्वालिफिकेशन कम्युनिकेशन डिटेल आपको प्रॉपर तरीके से देना है। फोटोग्राफ सिग्नेचर आपको स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। उसके बाद सबमिट करने के बाद आपको एप्लीकेशन फीस का पेमेंट करना रहेगा। एप्लीकेशन फीस पेमेंट करने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करके प्रिंटआउट निकाल लेना है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, जनरल की एलिजिबिलिटी, नेशनलिटी आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो आपको डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2005 से पहले का होना चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर BTech प्रोग्राम और BDS प्रोग्राम के लिए आपको 10+2 कंप्लीट करना पड़ेगा। आप कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आप कर सकते हो। एटलीस्ट आपको 50% मार्क्स आना चाहिए इन द क्लास 12th। और मैंडेटरी सब्जेक्ट की बात करें, फिजिक्स और मैथ्स से कंपलसरी सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको होना चाहिए। बी आर्किटेक्चर प्रोग्राम में आपको सिंपली HSC कंप्लीट करना पड़ेगा, मीन्स 12th आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। आप कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से कर सकते हो। एटलीस्ट आपको 50% मार्क्स आने चाहिए। फिजिक्स और मैथ्स ऐसा कंपलसरी सब्जेक्ट, एटलीस्ट आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। अगर आपका स्कोर कार्ड है JEE मेन पेपर 2 का तो भी आप एलिजिबल होते हो। एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इंग्लिश के लैंग्वेज में होता है, 2 घंटे का एग्जाम होता है, 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, MCQ टाइप के होते हैं, एक करेक्ट आंसर पर आपको 1 मार्क्स मिलता है। इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिलेबस के बारे में बात कर लें, सिलेबस जो फिजिक्स का है वो लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, ग्रेविटेशन, रोटेशनल मोशन, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक्स, थियरी ऑफ गैसेस, ऑसिलेशन एंड वेव्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स एक्सेट्रा। केमिस्ट्री के सिलेबस हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, रिडक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्सेट्रा। मैथ्स के सिलेबस है सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, सीक्वेंस एंड सीरीज, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा एक्सेट्रा। इसके रिगार्डिंग में हमको कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है हम आपको न्यू वीडियो के थ्रू अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।